छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ही हम कम से छुपा छुपाई नजर दुआई भगवान एयरपोर्ट। और वो देखिए फ्रेंड्स फ्लाइट भी आ रही है, ये देखिए फ्रेंड्स फ्लाइट भी आ गई। और गाइस एकदम मस्त व्यू आता है एयरपोर्ट का, ये देखिए कितना शानदार व्यू है, और पूरा का पूरा जो खुला खुला है। और शाम के टाइम तो यहाँ पर गाइस एकदम जो है ठंडी हवा आती है वो पूरा खुला खुला है ना। अभी हम शायद जा रहे हैं काली का मंदिर, और आज हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। और यहाँ एकदम मस्त मौसम हो रहा है, ये देखिए गाइस एकदम बारिश वाला, अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, और काफ़ी एकदम मस्त मौसम हो रहा है घूमने के लिए। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, मिलते हैं आपसे आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये है मेरी मम्मी और जीजा जी यहाँ ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम कौन से पंडाल में जा रहे हैं? अभी हम लोग सॉल्ट लेक चलेंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट लेक के बाद हम लोग चलेंगे शिवमी। हाँ, फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल लेंगे साउथ पंडाल। अच्छा, तो फ्रेंड्स सुन लिया आपने, मेरे जीजा जी ने आपको पंडाल का नाम गिना दिया। अभी वहाँ जाएंगे हम, दो ही पंडाल जाएंगे अभी, है ना। अभी सॉल्ट लेक में हम लोगों का जो बीजे ब्लॉक है वो मेन अट्रैक्शन है, वहाँ पे आदि योगी बना हुआ है, और श्री भूमि में तो हमारा पास है, और शिव में हम लोग का पास है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं एफडी ब्लॉक के पंडाल में, और ये देखिए कितनी जबरदस्त जो है लाइटिंग कर रखी है, और उस तरफ भी जो है लाइटिंग कर रखी है। यहाँ पूरा कोलकाता गाइस दुर्गा पूजा के टाइम पर जो सजा रहता है एकदम मस्त लाइटिंग से। तो अभी एफडी ब्लॉक की आपको पंडाल दिखाऊंगा मैं, और काफ़ी जो अच्छी कलाकारी करते हैं यहाँ के मिस्त्री लोग, उनकी आप कलाकारी देखिएगा। चलो मिलते हैं अब आपसे आगे। और फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मी, कैसा लग रहा है यहाँ पे पूजा दुर्गा पूजा पंडाल ओपनिंग करते हुए? गाड़ियों की नो एंट्री है, इधर नहीं है, इस रोड में खाली है। हाँ, और ये है मेरी दीदी। तो पंडाल होपिंग करते हुए कैसा लग रहा है? अमेजिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम एंटर कर रहे हैं एफडी ब्लॉक के पंडाल के अंदर, और ये देखिए किस थीम पर बनाया ये पंडाल, ये बांकुड़ा का जो हस्तशिल्प है उसको बना, ये जो घोड़ा बना हुआ है ये बांकुड़ा का फेमस घोड़ा है, इसको यूनेस्को से भी सम्मान मिला हुआ है। ये देखिए गाइस पंडाल। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने पंडाल जो है कितना सुंदर प्रतिमा बना रखी थी दुर्गा माँ की। और गाइस आप जैसे पंडाल से बाहर निकलेंगे आपको सीधे मेले में एंटर हो जाएंगे खुद ही। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ का मेला। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं यहाँ से श्री भूमि वाले पंडाल में, और पंडाल जो है उस तरफ है, और काफ़ी भयंकर भीड़ है गाइस ये वाले पंडाल में। तो चलो गाइस अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का श्री भूमि का पंडाल। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से जा रहे हैं श्री भूमि वाले पंडाल में, और ये जो है वीआईपी पास की लाइन है, और उस तरफ जो है आगे से जो बहुत भयंकर भीड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी दूरी पर है जो श्री भूमि का पंडाल, और उस तरफ तो गाइस एकदम खतरनाक वाली भीड़ हो रही है, और ये वीआईपी पास में एकदम चलते जाओ बस खुल्लम खुल्ला चलते जाओ। बस थोड़ी आगे है, बस यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे तो थोड़ी आगे जाके श्री भूमि का पंडाल दिखना शुरू हो जाएगा। ये था मेरे पीछे श्री भूमि का पंडाल, और जो गाइस गहने थे वो पूरे गोल्ड के थे, और एकदम सुंदर प्रतिमा थी यहाँ पर श्री भूमि के पंडाल में। तो चलो मिलते हैं अब गाइस आपसे आगे।
फ्रेंड्स पंडाल ओपन कर ली है और काफी सुंदर प्रतिमा थी और पंडाल थे यहाँ पर। और अगर आप कोलकाता आओगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप दुर्गा पूजा के टाइम पर कोलकाता आना एक बार जरूर। तो बस आज की वीडियो पे यहीं पर खत्म करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।